इसको नीचे लेते हैं और उसको फिर से वीडियो एक बार स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आई एम जेनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने आया हूँ मैं, और आज है मेरे पास पूनम फ्लूट की एक बहुत खूबसूरत सी कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ ये कलेक्शन आपको बहुत पसंद आएगा। हालांकि इसके पहले मैंने कई बार अनबॉक्सिंग की है, और आज का जो अनबॉक्सिंग है वो है मिडिल पूनम फ्लूट सेट का। इसमें आज हम यहाँ देखेंगे सी से सी शार्प फ्लूट। ये स्पेशली मैंने बनवाया है, बहुत सारे लोग जो बॉलीवुड बजाना पसंद करते हैं उनके हिसाब से बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है। तो आइए आपको आज सुनाऊंगा, एक एक करके एक एक जो फ्लूट है वो आपको दिखाऊंगा। हालांकि फ्लूट का मैंने वो बैग खोल दिया है, और आज आपके सामने जो सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ ये है फ्लूट का बैग। ये आप देख सकते हैं फ्लूट का बैग इस तरीके से दिख रहा है ये, और इसके पैक को मैंने अनरैप कर दिया। तो ये हमारे सामने जो बांसुरियाँ निकली हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये है वो बांसुरियाँ जो आपको मैं दिखाऊंगा, एक एक पीस बजा बजा कर आपको दिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे सराहेंगे। और इसका एक एक बांसुरी में जो भी, ये क्लियरेंस सेल का फ्लूट है याद रखिएगा। तो क्लियरेंस सेल में क्यों है ये भी मैं कोशिश करूंगा बताने की और समझाने की। तो आइए, जो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि बांसुरी जो इसमें सिलेक्शन मैंने जो किया है सी स्केल से सी शार्प तक, यानी सी नेचुरल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 19 इंच से, और ठीक सी शार्प, बिल्कुल आप समझ सकते हैं सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प, बी सी एंड सी शार्प, एकदम स्मॉल तक हम यहाँ गए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है सी। ये बिल्कुल एक यूनिक टाइप की थ्रेडिंग की हुई है, उम्मीद करता हूँ ये आप देख पाएंगे। और ये क्लियरेंस सेल में है याद रखिएगा, मैंने क्लियरेंस सेल में पूरी 25 बांसुरियों का सेट लिया था 46,000 में। ये उसका दूसरा पार्ट है, बड़ा वाला जो बांसुरी था वो मैंने अनबॉक्सिंग किया था और अभिषेक जी के साथ किया था, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखिएगा। और ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले सी आ गया है। बजाइए तो अभिषेक जी, मैं यहाँ पर तानपुरा लगा देता हूँ, सी स्केल ऑलरेडी लगा है। बजाइए, बहुत अच्छा। तो ये आपने देखा सीसा, उस बोल दीजिएगा तो सैनिटाइज़, हाँ इसको थोड़ा सा स्प्रे मार के, फिर मैं अब इसको मैं बजा के आपको सुनाऊंगा, तो आप देखिएगा इस चीज को कैसा लगता है। बांसुरी का थ्रेडिंग आपको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा, और इसी टाइप की सारी थ्रेडिंग्स मैंने इस बार रखवाई है, खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा था सी, अब चलेंगे सी शार्प। चलिए इसको ट्राई कीजिए, तो ये सी शार्प हमारा हो गया। बहुत अच्छा।
ये था सीसा, बांसुरी मैं आपको दिखा दूं, ये क्लीन सेल में है और बहुत ही साफ सुथरी बांसुरी है। हालांकि यहाँ पर एक हल्के सी लंबी सी एक पैच दिख रही है, अगर आप इसे देख पाए तो। हाँ, क्लीन सेल में जाने की शायद इसकी यही वजह हो सकती है, अदरवाइज टोनल क्वालिटी वगैरह सब तो बहुत अच्छी है। अब मैं इसे बजाकर आपको सीसा में सुनाता हूँ, राग बागेश्वरी। बांसुरी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये सी से सी साथ आप चाहें तो पूनम फ्लूट से बात करके ले सकते हैं। और ये दो बांसुरियाँ अभी अब तक मैंने आपको दिखाई, अब हम चलेंगे आगे डी पर। चलिए इसको बजाकर आप दिखाइए। तो डी खाली सिंगल टोन लग रहा हूँ, ये बात आपने सुना ये डी स्केल। अब मैं इस पर भोपाली थोड़ा सा बजाकर सुनाऊंगा, देखिए कैसा आपको लगता है। बांसुरी को आप नज़दीक से देख पाए तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हल्के से बैम्बू के जो नेचुरल पैचेज हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। आप वीडियो को देखिएगा, यहाँ से नेचुरल पैचेज है वो मैं घुमा घुमा कर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसे देख पाए। टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है, बांसुरी बेहद सुरीला है, ठोस है और थिकनेस भी आप इसको देख सकते हैं फुल राउंड। तो ये था हमारा डी, अब हम चलेंगे डी सात फ्लूट पर। ये हमारा डी सात पर, पहले अभिषेक जी आपको सुनाएंगे इस पर कुछ। अब इस पर मैं आपको कुछ सुनाता हूं। इस पर राग बसंत मैं छेड़ रहा हूं।
था राग बसंत। अब आइए बांसुरी का आप बिल्कुल निकट से अन्वेषण कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, धीरे धीरे मैं इसे राउंड करके घुमा घुमा कर दिखा रहा हूँ, आप देख पाए काफ़ी सुरीला है और इसमें बिल्कुल हल्का सा एक यहाँ पैच है। क्लियरेंस सेल में इसके आने की बस यही एक वजह है, और जो भी वजह है वो नेचुरल पैचेज है, याद रखिएगा नेचुरल पैचेज है, इसमें कहीं कुछ हीलिंग नहीं हुई है। और बांसुरी का थिकनेस ये आपको सामने से आप इसको वॉच कर सकते हैं, और ये इसकी थ्रेडिंग है। तो आइए अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्केल की तरफ, लेंगे ई स्केल की ओर। अब हमारे पास है ई, अब इसे बजा कर आप बोलेंगे कपूर गौरम करना। हाँ बजाइए। ये हमने सुना कर्पूर गौरव, बहुत ही खूबसूरत रचना है। अब आइए मैं आपको यमन में सुना रहा हूं श्री रामचंद्र कृपालु भजन। आइए अब इस बांसुरी को सामने से आप देखिएगा, मैं घुमा घुमा कर दिखा रहा हूँ। बांसुरी पर नेचुरल पैचेज है, इसके क्लियरेंस सेल में आने की केवल एक ही वजह है, बाकी सुरीलापन याद रखिएगा जो इसकी ध्वनि है, टोनल क्वालिटी है, सुपर्ब है। और ऐसे आप जो 12 बांसुरियों का जो सेट आता है पूनम फ्लूट का, वो ए शार्प से लेकर एफ तक होता है, यानी इसमें ए सात बेस और बी भी होता है। मैंने वो निकलवा दिया था, उसके जगह पर छोटी बांसुरियाँ मैंने ऊपर में रखवाई थी, यानी ए के बाद ए सात बी सी एंड सी साफ रखवाई छोटी बांसुरियाँ। वो बजाने में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वो बांसुरियाँ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी हमने ई देखा, अब इसके बाद हम एफ देखने की देखते हैं। यह है हमारा एफ। तो आइए हम एफ स्केल की तरफ चलते हैं। एफ स्केल लग गया, बजा कर सुने। भोर भई दिन चले गया मेरे। हाँ नहीं आपने देखा एफ स्केल। अब मैं आपको कुछ इसमें से सुनाता हूं, राग दुर्गा में एक छोटी सी रचना।
अब आइए बांसुरी को सामने से देखते हैं। बांसुरी को घुमा घुमा कर दिखा रहा हूँ और बहुत साधारण सा एक यहाँ पर एक हल्की सी एक पतली सी एक रेखा है, हालांकि वो विजिबल यहाँ पर नहीं होगी, बहुत बारीक सी रेखा है। वो उसको क्लियरेंस सेल में आने की वजह यही है। बांसुरी का थिकनेस बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, मोटा है और गोलाई भी बहुत अच्छी है। तो ये आप देख रहे हैं एफ स्केल। अब हम आगे चलेंगे हम अपने नए एफ सार्प की तरफ। निकालिए तो एफ सार्प, ये एफ सार्प है। क्या सुना रहे हैं आप इसमें सेटिंग में से? तानपुरा पर एफ सार्प भी लगा दिया मैंने। अब मैं आपको इसमें भीमपलासी थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करूंगा, भीमपलासी का आरोह अवरोह। आइए बांसुरी को देखते हैं, हम नजदीक से देखते हैं। इसमें ना के बराबर है। बिल्कुल इसमें ना के बराबर है, बहुत खूबसूरत है। ऑडियो क्वालिटी तो आपने देख लिया और हमने यहाँ ऑडियो में कुछ भी स्पेशल इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं, सिंपल रिकॉर्डिंग है, रफ रिकॉर्डिंग और रॉ रिकॉर्डिंग है। और ये वीडियो आप जब देखेंगे तो बिल्कुल कहीं से कोई ऑडियो एनहांसमेंट नहीं की गई है। और ये इसकी गोलाई देख लीजिए और पीछे की तरफ से ये है, आप देख सकते हैं इसका जो थ्रेडिंग है वो तो बहुत खूबसूरत है और यूनिक स्टाइल का है। तो हम अब आ गए हैं एफ सार्प से, अब हम जी की तरफ चलेंगे। जी एक छठ का सॉन्ग बजाइए। हाँ छठ का गीत बजाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा सैनिटाइजर है जिसको बार बार मैं सैनिटाइज करके फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइए छठ का गीत एक मैं भी सुनाता हूँ आपको। आइए बांसुरी को नजदीक से हम लोग यहाँ देखेंगे। धीरे धीरे रोल कर रहा हूँ मैं, आप इसको बारीकी से आप देख पाएंगे और बहुत माइनर एक पतली सी रेखा है, हालांकि पता नहीं वो कैमरे पर विजिबल होगी या नहीं, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। ये है हमारा बांसुरी और ये थिकनेस। और आवाज़ के मुकाबले में तो कुछ कहना नहीं है जी का, ये इस स्केल का। अब जी के बाद हम आ जाते हैं जी सार पर, हम आ जाएंगे।
जी सर। राइट लग जाएगा दोस्त। ये इस गाने के लिए है ना हल्का सा इसको लगता है एडिट नहीं करना पड़े वीडियो को, ये गाना तो कॉपीराइट तुरंत लगा देता। मैं अभी आपको कुछ सुनाऊं, मैं राग रागनियों में ही सुनाऊंगा आपको। सोनी ये था सोहनी। एक छोटा सा आलाप, अब आइए बांसुरी को नज़दीक से देखिएगा। एक हल्का सा एक स्पॉट है बस छोटा सा जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा वो एक हल्का सा स्पॉट है क्लियरेंस सेल में इसके आने की वजह, और यहाँ पर भी एक हल्का सा एक स्पॉट है वो अगर मैं घुमाऊँ के फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा तो देखिएगा हल्का सा एक स्पॉट है बांसुरी की गोलाई आप देख सकते हैं और बांसुरी का थिकनेस बहुत खूबसूरत है। अब तो जी साहब के बाद अब हम चलेंगे ए स्केल में। जनरली जो पूनम फ्लूट का जो सेट आता है वो ए स्केल तक ही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ फरमाइशी बांसुरियाँ रखी हुई हैं, ये चार एक्स्ट्रा मैंने उनसे अनुरोध करके रखवाई थी, दो बांसुरियाँ हटवा कर उसके जगह पर ये चार बांसुरियाँ मैंने रखवाई थी। वो अभी आप बात कर सकते हैं, रखवाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, ठीक है ना, तो फिर वो आपको मिल जाएगी ए स्केल। हालांकि ये ए बांसुरी बजाने में थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा क्योंकि ब्लोइंग पावर अच्छा चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए और पावरफुल भी होना चाहिए। ये बात इसको छोटी बांसुरी को बजाने में थोड़ा सा जोड़ पड़ता है, ध्यान रखिएगा फिजिकल कंडीशन का जरूर ध्यान रखा कीजिए छोटी बांसुरी को बजाने में, खाना खाकर बजाइए और बांसुरी कम से कम साल भर का अभ्यास हो जाए तब ये इस तरह की बांसुरी पर आप थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। ये था हमारा ए बांसुरी। अब इसके अलावा जो है चार बांसुरियाँ और हैं एक्स्ट्रा, इनको बजाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी होगी और मुझे भी अच्छी मेहनत करनी होगी क्योंकि बिल्कुल नहीं है, इसको बजाने में फूक फिसलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें मुझे लगता है कि 6 महीने लगेंगे इन चारों बांसुरियों को सिद्ध करने में। हालाँकि मेरे पास और भी बांसुरियाँ हैं जो इस टाइप की जो बांसुरियाँ हैं मेरे पास वो मैंने कुछ बांसुरियाँ सिद्ध की थी तो मैं आपको दिखा दूँ। इस बांसुरी में देखिएगा ये बांसुरी का जो बैग है इस बांसुरियाँ में, इसमें ध्यान से देखिएगा ये चार
है ये बांसुरी, और मेरे पास कई सेट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सेम चीज़ है। देखिएगा इसमें 8 बांसुरियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं डेली अभ्यास करता हूँ इसका, हालांकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है तब भी, हालांकि मैं पिछले कई सालों से थोड़ा बीमार चल रहा हूँ और इधर ज़्यादा बीमारी कुछ बढ़ गई है, तो इसके वजह से प्रैक्टिस इसमें करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए इस पर बजा के कभी दिखाऊंगा आपको। हालांकि इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं और आपको दिखाए हैं। तो 25 बांसुरियाँ दिखाने का आपका वादा था, तो ये 25 बांसुरियों से ये आप देखिए, यहाँ कुछ बांसुरियाँ यहाँ मौजूद हैं और निकाल कर आप दिखा दीजिए। और इसके पहले की अनबॉक्सिंग जो मैंने की थी वो भी बांसुरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे जो पहले की जो अनबॉक्सिंग की हुई फ्लूट थी वो है ये, उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा। पिछले अनबॉक्सिंग में ये वीडियो में मैंने बनाया निकाला था, दिखाया था आपको। और इसमें टोटल 25 बांसुरियाँ मैंने ली और उनसे कहते सुनते 46,000 पड़ा मुझे ये। आप बांसुरियाँ अगर आप लेना चाहें तो अभी दिवाली का सेल चल रहा होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो टोटल काउंट जो बांसुरी का है 25 है, 25 बांसुरियों का सेट आपको 46,000 में मिलेगा। और इसमें कुछ ऐड कराना चाहते हैं, बैग का एडिशन कराना चाहते हैं या बांसुरी का एडिशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको लगेगा, डायरेक्ट पूनम फ्लूट से आप बात करके वो आप कर सकते हैं। तो मित्रों ये कैसा लगा अनबॉक्सिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, और नीचे कमेंट्स में जाकर अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट पूनम फ्लूट से आप बात कीजिए, www.flute.in पर बात कर सकते हैं या www.poonamflutes.com पर भी जाकर आप बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग फिर नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी, अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया।